यह है टोयोटा का फोर्कलिफ्ट। और फोर्कलिफ्ट कैसे इसका मतलब स्पीड बढ़ाया जाता है और कमाया जाता है, आप सीखिए। इसी वजह से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फोर्कलिफ्ट का स्पीड बढ़ाया जाता है और कम किया जाता है। पहले ये गाड़ी है, ये है गियर, इसका आगे वाला पीछे वाला गियर है, उसको न्यूट्रल करना पड़ता है, फिर हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है। हैंड ब्रेक का लाइट आ गया, देखिए लाइट आ गया। उसके बाद ये है उसका ऑप्शन, ये SPS, ES और P। पी में रख के ये वाला बटन और ये वाला दोनों बटन एक साथ दबाइए। दबाने के बाद एक आवाज़ आएगा, चेंज करके एक आवाज़ आएगा, हाँ आएगा। उसके बाद इसको दोबारा दबाना, तो दोबारा दबाने के बाद फिर ये दोनों को एक साथ दबाना, ठीक है। ये आ गया एक साथ दबाने से, फिर आएगा ये पावर मोड, उसका नीचे ड्राइव मोड, उसके फिर पावर। इसके आने के बाद फिर इसको एक बार दबाना, आ गया लो स्पीड। ये है स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट आने के बाद फिर ये वाला दबाना, ये वाला दबाने के बाद उसका लिमिट का, स्पीड लिमिट का ऑप्शन आएगा, मतलब स्पीड कमाना बढ़ाना आएगा। ये देखिए ये दबाने के बाद आ गया, ये 20 का स्पीड है, तो 18, 19 जैसे भी तुम्हारा हिसाब से कर सकोगे एडजस्ट करो। हो गया अपना ये स्पीड का, स्पीड बढ़ाना और कमाना, यही ये मॉडल है उसका। देखिए हो गया, फिर इसे इसके से बैक करें, इसको एक बार बैक कराना, दोबारा ये हो गया, स्पीड बढ़ाना और कमाना।